अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक फसलात। उम्मीद करता हूँ मैं तमाम दोस्त जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही अच्छी बनने वाली है और इसमें ऐसी ऐसी स्टेप दूंगा, ऐसी ऐसी बातें कहूँगा इंशाल्लाह, जो अगले महीने की 10 को या 15 तारीख को जो मेला आ रहा है बैलों का, जो मेला मुख्तलिफ जो मेरे पास वीडियो आती है मैं भेजता रहता हूँ, उसकी इंशाल्लाह ताला मज़ीद आएंगी। जो मेरे पास भी एक शॉर्ट है वो मैं बना रहा हूँ वीडियो, तो इंशाल्लाह वो वीडियो देखिए, उसके बाद पूरी मेरी जो बातें हैं उसको आपने सुनना है पूरा, उसमें अमल करना है। क्या क्या चीज़ बता दूँ, अभी जो ये बैल भागेगा ना, ये बैल मतलब बच्चा था, घर का पला हुआ था, गाय का बच्चा था अपना, इसको माशाल्लाह पाला है, तैयार किया इन्होंने, शबीर गम नाम है उसका। जो अगले महीने की 10-15 को जो मेला है वो उसी की तरफ से इसी बैल के ऊपर, और दूसरा एक बैल है जो गुज़श्ता रोज़ मेरा वीडियो देखी होगी, 5 सेकेंड की बनी हुई, उसमें फिर मेरा अपना इंटरव्यू है तो वो भी देखी होगी, उस बैल पर और इस बैल पर जो अभी आने वाली है, इस पर जोर है वज़न का, और इस बैल को जो तैयार किया गया है माशाल्लाह से, इसमें खुद मैं रेडी 10 दिन बाद 15 दिन बाद इसको मकसद है वज़न रेडी पे लोड करते हैं, फिर इसको मतलब रनिंग के लिए रवाना करते हैं। मतलब अब इसकी ऐसी दौड़ है जैसे रनिंग हो गया है, वज़न को किस तरह खींच रहा है आप खुद देख रहे हैं, ऐसे भाग रहा है जैसे कि माशाल्लाह उसके पीछे कोई वज़न नहीं है, फुल खींच रहा है। क्यों? उसकी रनिंग हुई भी है, बचपन से मैं उसको रेडी किया है। जैसे आप देख सकते हैं एक बच्चा खेल खेलता है, किसी खेल में होता है, पढ़ाई में होता है, तालीम होता है, किसी चीज़ में होता है, उसको मतलब ट्रेन किया जाता है, उस अपनी दौड़ में अपने खेल में कामयाब होता है, उसमें जोर लगाता है, तो इसके लिए माशाल्लाह से खुद ही तैयार करते हैं। शबीर गम का माशाल्लाह बैल है, खूबसूरत पला हुआ है, इसमें कितनी स्पीड में माशाल्लाह कुछ सेकेंडों के अंदर उसने वो मैदान जो है तकरीबन मेरे ख्याल में 50 से 56 सेकेंड के अंदर अंदर उस मैदान में उसने खींच के गया है, और कितना वज़न था उसमें आप खुद से देख सकते हैं, मेरे ख्याल में 200 kg वज़न है उस पर, वज़न जो अभी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो आखिरी मेला है, इसके बाद तो फिर काशकार मसरूफ़ हो जाएंगे गंदम में, उसमें कमान में गन्ने की फसल में आएंगे, फिर नेक्स्ट अगले साल होगा, ये आखिरी मेला जो आने वाला है। इस मेले को आपने तमाम वीडियो जितनी भी मैं उस बनाऊंगा उसको आपने खुद देखनी है, फिर मुझे बताना है कमेंट में कौन सा बैल है, कितना जोर आजमा रहा है, क्या कर रहा है, और जो ये वीडियो है आपने इसमें ज़ाया नहीं करना, देखना इंशाल्लाह तो ये कैसे जोर आजमा रहा है, और देख सकते हैं आप खुद बैल का जो मूवमेंट होता है, मकसद इस साइड पर जोर लगाता है, किस तरह भाग रहा है, हलूवर जो ट्रैक्टर की जो कल्टी होती है वो मारते हैं, मतलब कहने का ज़मीन के अंदर उसके पंख खुबे होते हैं, जो टायर होते हैं वो भी उसके मौजूद होते हैं, जोर आजमाई होता है, और जो होता है पेटी जो होती है मतलब पेट में बांधते जो यहाँ से आता है वो भी मकसद रस्से का निशानात ज़्यादा आ सकते हैं, जो यूज दूसरा उसको बोलते हैं बम्पर जो इस सर पे जो उसकी उठी होती है वो लगाते, लेकिन इतनी तकलीफ ज़्यादा होता है जब कोई की बैल देखा होगा आपने नेक्स्ट वीडियो में, नीचे गिर जाते हैं, वज़न नहीं आता उसकी गर्दन के ऊपर आता है वज़न तमाम, फिर आवाम आती है उसको उठाने की कोशिश करती है, उसको निकालते हैं, लेकिन हर बैल का नहीं होता जोर आजमाई, किसी को रनिंग सिखाते हैं, किसी को नहीं सिखाते, फिर कुछ होते हैं जो मुख्तलिफ मौजूद घर में मौजूद होते हैं, खड़े होते हैं सिर्फ उसको लिए जो होता है मेला जश्न होता है बाद के लिए, उसको भगाया जाता है, मतलब उसके लिए होता है, तो नेक्स्ट कोई होता है भाई, ईंटें भी होती हैं, लकड़ियाँ भी होती हैं, जैसे घर का काम काज होते हैं उसके लिए भी मिट्टी उठाना, मतलब उसको काम कर करके उसमें उसको थका देते हैं, लेकिन इसके लिए देसी घी भी होता है और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, मेहनत की जाती है, खिलाते हैं माशाल्लाह से खूबसूरत, उसको मुरब्बा होता है आए अपना, इसका सेब का मुरब्बा होता है, देसी घी होते हैं, दूध पिलाते हैं, इसकी खिदमत की जाती है माशाल्लाह से, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को वीडियो ये अच्छी लगेगी, तो इस वीडियो को पूरा देखना है, नेक्स्ट जो आएगी इंशाल्लाह वो भी, और नेक्स्ट जो वीडियो मेरी आती है मुख्तलिफ जो आप उसको गौर किया करें, गुज़श्ता रोज़ मैंने जो सैलाब के लिए बनाई थी ऐलान भी किया था उसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए मतलब चंदे के लिए, जो राशन कपड़ा जो भी चीज़ देना चाहे, टेंट देना चाहे उनके लिए, जो आना चाहे मेरे से मिलना चाहे मैं आपको वहाँ ले चलूँगा, टिबी कसरानी, कोई सलमान, तो साहब ब्राज की साइड पे अपना एडो अपना पुल जो है पुल कंबर की साइड पे जो वो बांध टूटा है, मुख्तलिफ यहाँ की जो आबादियाँ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, वहाँ नुकसान ज़्यादा हो चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वहाँ के हालात देखे होंगे वहाँ तक पहुँचें, नेक्स्ट जैसी वीडियो आएंगी जो व्लॉगिंग होगी दोस्तों में शेयर होंगी वो भी आपने देखी है, मिस नहीं करनी इंशाल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त देखेंगे, ये आप दोस्त जो देखेंगे मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, सब्सक्राइब बढ़ेंगे, इसी वजह से जो चैनल मेरा आगे ग्रो होगा, तो जितने भी लाइक शेयर आएंगे इंशाल्लाह ये मेरे पेमेंट के लिए मैं कोशिश करूँ, मेरे मकसद यही था बनाने का, जितना गरीबों तक मकसद इसमें मैं कह सकूँ, जिसकी पेमेंट होगी आधी पेमेंट इंशाल्लाह गरीबों तक तकसीम करूँगा, उनके लिए जो चीज़ें होंगी उनकी ज़रूरत की चीज़ें वो मैं पहुँचाऊँगा इंशाल्लाह, सामान है मुख्तलिफ राशन जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह तक वो पहुँचाऊँगा, वो आपके साथ साथ ही देख लेंगे,
तो इंशाल्लाह मैं अपने दोस्तों को जहाँ भी रहें खुश रहूँगे आबाद रहेंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश आबाद रहें, अपने कारोबार में रिस्क में जान बरकतें अता दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुजाहिद खान जिंदाबाद।